नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेडियो यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एडवांस मैथ के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके कोई भी एग्जाम हो, एडवांस मैथ से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और जितने भी कमजोर स्टूडेंट रहते हैं मैथ में, वो आपके एडवांस मैथ से बहुत डरते हैं। देखिए, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका बताएंगे, जिसको आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, बैंक, किसी भी एसएससी, रेलवे, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एडवांस मैथ को हम आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है एडवांस मैथ का ही है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग एक सही मान के कितना टाइम लगाएंगे, कम से कम आप लोग आधे घंटे लगा सकते हैं, जो पहली बार लगा रहे हैं। और जो नहीं लगा रहे पहली बार, तब भी मान के चलिए वो लोग कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट लेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे एडवांस में, तब भी समझ में आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यह तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आप लोग समझनी है। देखिए, एक आपका ट्रिपलेट होता है जो त्रिभुज का, देखिए ये लिखा गया है, जो अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप लोग ये चीज तो जरूर ही पता होगी कि ये ट्रिपलेट होता क्या, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, मतलब 3, 4, 5, 6, 8, 10, ये जो होता है ट्रिपलेट आपका त्रिभुज का, कि मतलब कैसे निकाला जाता है, ये चीज तो आप जरूर हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो लोग अगर तैयारी सच में कर रहे हैं रेलवे, बैंक, एसएससी, वो लोग इस चीज को जरूर जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ जो लोग नहीं जानते वो चीज को नोट कर लीजिएगा, आपको यहीं से आप एडवांस का आधा जो है पोर्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इसको जरूर नोट करिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का जो त्रिभुज का ट्रिपलेट है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्या बोला है, कर्ण की लंबाई क्या है। देखिए, कर्ण की लंबाई जो होती है, जो दो भुजाएं होती है, उन दोनों भुजाओं से आप क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो देखिए, कर्ण की लंबाई क्या हो सकती है, या तो 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 25 हो सकती है, 29 हो सकती है, 41 हो सकती है, 26 हो सकती है। तो हमको ऑप्शन में देखता है कर्ण की लंबाई, देखिए आपका 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 इसमें किसी भी लास्ट में नहीं है, 12 भी नहीं हो सकता, 12 बीच में, देखिए 13 या 10 हो सकता है, क्योंकि देखिए 10 यहाँ पर भी दिया है, ठीक है, और 13 भी दिया गया, क्योंकि लास्ट वाली जो आपकी भुजा होती है, सब बड़ी होती है, वो कर्ण होती है। देखिए, दो ही भुजा इसमें है जो कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई पूछता, हम मान लेते हैं कर्ण की लंबाई 10 है, कर्ण की लंबाई 10 हो गई ना, तो देखिए क्या बोला, संपूर्ण त्रिभुज कर्ण की लंबाई, जब हमको कर्ण की लंबाई पता चल गई 10 हो गई, तो और पता चल गया हमारे जो दो और ट्रिपलेट है 6-8 होंगे, 6-8 होंगे। देखिए कैसे होंगे, अभी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। देखिए, अगर हम मान लेते हैं 6, 8 और 10 है, ठीक है, 6, 8, 10 है, क्योंकि देखिए हम लोग कर्ण की लंबाई पूछा, कर्ण की लंबाई 10 मांग ली। देखिए, संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। देखिए, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 6 है, इसका 2 गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 6 इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, क्या करेंगे 2 गुना तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। क्या है, देखिए आपका जो कर्ण है, ये सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 2 कम है। देखिए, ये 12 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 10 है, तो आपका ये 2 कम है ना, 2 कम है, देखिए ये रूल फॉलो हो गया। और क्या बोला, ये तीसरी भुजा 8 है, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है। देखिए, तीसरी भुजा 8 है, क्या आप देखिए छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है, ये भी 2 मीटर अधिक लंबी है, मतलब आपका ऑप्शन 10 है, मतलब आपका आंसर भी 10 है। अगर 13, अगर ये नहीं होता तो आप 13 को लेकर देख सकते थे, 13 हो सकता, और दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी नहीं हो सकते। देखिए, इस ट्रिपलेट को अगर आप याद रखेंगे, ट्रिपलेट को, ये बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे तो आप एडवांस मैथ का आधा से ज्यादा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस चीज को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इसी पर ही है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 30 है और इसका क्षेत्रफल 30 है, यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। अब देखिए, सिंपल सा आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा मतलब कर्ण आपको दिया है, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए, बड़ी भुजा किसमें है, अगर अभी आप लोग याद किए रहते हैं तो आप लोग को देखने नहीं पड़ता। देखिए, बड़ी भुजा किसमें है, 13 किसमें है लास्ट में, देखिए 13 आपको किसमें दिख रहा है, 5, 12, 13, 5, 12, 13, तो देखिए 5, 12, 13 दिख रहा है आपका, उसको नोट जरूर कर लीजिए आपको। देखिए 5, 12 और 13, मतलब देखिए सबसे भुजा की लंबाई क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो आपको सबसे छोटी भुजा 5 ही हो गई, सीधी सी ना सबसे छोटी भुजा पूछिए, अगर देखिए ट्रिपलेट याद किए रहेंगे तो आपको सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 हो गई,
आपको आसानी से पता चल गया, कोई कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आप चाहे देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का परिमाप 30 है। देखिए परिमाप निकाल लीजिए, इन परिमाप क्या होता है, तीनों का योग होता है। आप इन तीनों को जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 12 और 5 17, 17 13 कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया, 30 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो रहा। आप चाहे तो इसकी जो है वो निकाल सकते हैं, त्रिभुज की सबसे 13 दिया हुआ है, अब इसकी क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 12 × 5। देखिए निकालिए, आधार गुणे ऊंचाई होते हैं 2 × 6 = 12 × 6 = 30, आपका ये भी सेटिस्फाई हो रहा, 30 भी आ रहा, क्षेत्रफल भी 30 आ रहा, परिमाप भी 30 आ रहा। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं, देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होता है 5 12 13 होता है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी आपकी 5 होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, एडवांस में को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे साथ चैनल पर जरूर हो जाए, हम बिल्कुल आसान तरीके से मैथ और रीजनिंग आपको सिखाते हैं।